हेलो 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 हेलो। ओके, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या भाई, खूनी दरिंदे आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। तू क्लास में रचित, अंकित, आरिफ कुछ कह रहे थे, सबको भाई नमस्कार। अच्छा, पिछली क्लास में हैप्पी बिलेटेड टीचर्स डे सर, गोपाल कह रहे हैं। सबको भाई मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपका जीवन बढ़िया हो, यही हम चाहूंगा मैं। ठीक है, गुड इवनिंग वर्तिका गुप्ता, अनिल, सभी को नमस्कार भाई। चलो, अच्छा पिछली क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का मतलब क्या था कि करंट भी है उसमें और उसे कुछ लेंथ है। तो मान लो कि मैंने एक डेल्टा एल लंबाई ली और इसमें अगर करंट आई चल रही है और किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि किसी करंट एलिमेंट की वजह से, किसी धारा अवयव की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। इस के को मैंने बोला था, इसे हम बोलते हैं इसके म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, बोर्ड के हिसाब से केवल दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड के हिसाब से केवल क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी तार में करंट है, किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो मैं पता चल गया उस ट्रेड एक्सपेरिमेंट से कि तार में करंट है, उसके पास रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास में हमें डिफ्लेक्शन दिखा, यानी तार में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, ये तो मैं पता चल गया। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने कहा था आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आप राइट हैंड रूल लगा सकते हैं कि जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर आप अंगूठा करेंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो उससे आपको बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। या मैंने कहा था धक्का देने वाला तरीका आप देख सकते हैं कि करंट इधर जा रही है, इधर आपने अंगूठा किया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उधर उंगली करो, हाथ से पुश करो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर अंदर की तरफ आ गई, इस तरफ बाहर आ गई। अब वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल गई, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा कि किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो हुआ बायो सेवर्ट लॉ, जिसे हम 12th में पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में भी डिटेल में। बायो सेवर्ट दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इसमें टी साइलेंट है, बायो सेवर्ट लॉ। अब पेपर में आपसे क्या पूछ सकता है, बोर्ड के अंदर आपसे कह देगा कि अगर किसी वायर में करंट है और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। आप बोल देंगे जी करंट के मैग्नीट्यूड पर, करंट जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा पैदा होगा। आप कह देंगे जी एक वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट की वजह से, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि अगर डिस्टेंस डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 एक चौथाई रह जाएगा। इस तरह की हमने बातें पढ़ ली थी। अब हम किसी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इसकी एप्लीकेशन देख रहे थे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जो पिछली क्लास में मैं शायद स्टार्ट कर दिया था, मैंने थोड़ा सा स्कैडिंग डाल दी थी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ध्यान से देखना भाई, इसे है तो खैर आसानी कुछ है नहीं इसमें, तो लिखेंगे किसी किसी धारावाही धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो कह रहा वीडियो इज लैगिंग, एक बार चेक कर लेते हैं भैया कि अपने एंड से तो कोई दिक्कत नहीं है। Let me check. गोपाल जी शायद अब नहीं आया आपको कोई दिक्कत ऐसी। ठीक है, क्लास अटक के आ रही है, अब शायद नहीं आएगी। मैंने एक और कनेक्शन कनेक्ट किया है, देखते हैं, शायद नहीं आया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे बड़े ध्यान समझना बात को।
ये मेरे पास में, अब थोड़ा सा माहौल यहाँ से सीरियस चलाते हैं। ये मेरे पास बच्चे मान लो कि सर्कुलर लूप है, मान लो कि मैंने एक तार लिया और इसे बच्चे मैंने, ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आई करंट। तो जब बच्चे इसमें तार में करंट चलेगी तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर ये बच्चे आपके पास लूप बिल्कुल सर्कुलर हो तो इसके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा यह हमें निकालना है, और इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। आप कहेंगे सर सर्कुलर लूप में करंट कैसे पैदा हो जाएगी? अब भी अटक रहा है? अच्छा इधर से तो सब कुछ ठीक है मेरे एंड से, फिर मैं देखूं। अब तो नहीं होना चाहिए भाई। अब भी हो रहा है क्या? देखना एक बार, इधर से ये स्विच भी ऑन है, ये सारे स्विच ऑन है एकदम, बैटरी सब कुछ फुल है। लेट हो गया अरे कोई बात नहीं, पर कमेंट तो आया हुआ था कुछ। अटक रहा है अभी भी? अटक कैसे रहा यार, समझ में नहीं आ रहा है। सर मेरी आईडी किसी और के पास हो, कमेंट कर रहा, आईडी ऐसे देनी नहीं है, गलत है ये चीज है। आईडी क्यों रखे तुमने किसी और को? उससे बोल 400 रुपये बैच दूसरा ले ले, 400 रुपये में तुम 4-5 को देकर रखेगा है? अरे कुछ हुआ कि नहीं हुआ अभी? अब एक वायर है इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। आप कहेंगे सर करंट कैसे फ्लो करेगी? कुछ नहीं है इसमें, इसे मान लो कि आपके पास में एक ये सर्कुलर लूप था और आपने बच्चे क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बस बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो करंट चलनी शुरू हो जाएगी। ये चल रही है करंट, ठीक है। तो मैंने आप ऐसे दिखाया नहीं, बस मैंने आपको दिखा दिया कि करंट चल रही है, एक सर्कुलर लूप है अपने पास में। अब बड़े ध्यान से बात को समझना। अब बच्चे मेरे पास में एक वायर है, इसमें चल रही है करंट। अब आपको उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम ये काम करते हैं, हमें सर्कुलर लूप की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं आता, पर हमें यह तो पता ही है कि किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है। करंट एलिमेंट बताया था ना मैंने कि अगर एक छोटा सा आपने तार लिया और उसमें अगर करंट फ्लो कर रही हो तो करंट एलिमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। तो मैंने एक काम किया यहां पर, वो ये कि मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसकी लंबाई ले ली बच्चे मैंने मान लो कि डेल्टा एल वन, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं सेंटर पे, ठीक है। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डेल्टा एल वन इज। करंट एलिमेंट का मतलब होता है कि करंट और साथ में लंबाई कितनी उसे भी लेके चलना होता है। तो मैंने बच्चे मेरे पास एक करंट एलिमेंट था, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई और लंबाई इसकी डेल्टा एल वन, तो कितना होगा बच्चे मैग्नेटिक फील्ड? आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया था वही फॉर्मूला जू का तू है, बस मैंने इस बार जो लंबाई ली है वो लंबाई जो है बच्चे जो मैंने लंबाई ले रखी है वो लंबाई कितनी ले रखी है? करंट तो आई है, लंबाई मैंने ले रखी है L1। तो आपको पता चल गया कि इस करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वही बायो सेवर्ट लॉ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। बस यहां पे बच्चे डेल्टा एल की जगह डेल्टा L1 मैंने बोल दिया। दूसरी चीज,
एक चीज यहां पे देखना कि अगर ये बच्चे मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, मुझे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट एलिमेंट से सेंटर तक की दूरी तो आपको पता रेडियस के बराबर होगी। और आपको एक चीज और पता है कि सेंटर से कोई भी लाइन डालेंगे आप इस पे सर्कमफ्रेंस पे, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी आपको यहां साफ साफ पता चल गया कि जो करंट एलिमेंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर पे, तो सेंटर से करंट एलिमेंट पे जब बच्चे मैं लाइन डालूंगा तो ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल, यानी साइन 90 तो हो गया 90, साइन 90 तो होता है 1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया आपका डेल्टा बी 1 बोल देते हैं इसे, डेल्टा बी 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा की वैल्यू है बच्चे आपके 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है आपका 1। मुझे बताओ कि छोटा सा पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। भाई आप एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक सर्कल है और मैंने एलिमेंट मान लो ये ले लिया होता, तो सेंटर से इस एलिमेंट पे जो भी आप यहां से इस करंट एलिमेंट की वजह से आप सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो करंट एलिमेंट से सेंटर तक की दूरी है आर, और ये एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन डालेंगे आप सर्कमफ्रेंस पे, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने सीधे सीधे यहां पे थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 होता है 1, तो साइन वाला पार्ट तो मेरा हट गया, तो क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल 1 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि जिधर को करंट हो उधर अंगूठा रखो। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना बच्चे आपको? सेंटर पे, इधर उंगली रखेंगे हाथ से धक्का देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आगी आपकी? अंदर की ओर, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। भाई आपको पता है ना कि यहां पे आपने करंट की डायरेक्शन उंगली रखी, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहां से हाथ से धक्का दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आगी बच्चे आपकी? इनवर्ड, अंदर की तरफ को आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसे क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने एक एलिमेंट ये ले लिया, इसकी लंबाई है डेल्टा एल टू, एक ले लिया डेल्टा एल थ्री, ऐसे मैंने इस पूरे के पूरे लूप को बहुत सारे एलिमेंट में तोड़ लिया, डेल्टा एल थ्री डेल्टा एल फोर ऐसे। तो जैसे बच्चे मैंने डेल्टा एल वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वही आया, तो ऐसे ही सिमिलरली डेल्टा बी टू, यानी कि डेल्टा बी टू का मतलब है कि डेल्टा एल टू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इससे भी करंट आई जाएगी पूरे के पूरे में तो आई है, आई डेल्टा एल टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां भी साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, भाई सेंटर से कोई भी लाइन डालेंगे आप सर्कमफ्रेंस पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो यहां पे भी 90 हो गया। अच्छा, यहां पे देखो करंट अंदर की तरफ को है और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर की तरफ को, तो आपने यहां से धक्का दिया तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? अंदर की तरफ। तो अगर आप ऐसे ही डेल्टा बी थ्री डेल्टा बी फोर डेल्टा बी फाइव जितने भी निकालेंगे ना वो सब बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट जो होगा सब में करंट तो आई रहेगी, तो आई फिक्स रहेगा। सेंटर से एलिमेंट तक की दूरी हर बार क्या बनेगी? रेडियस के बराबर, ये भी फिक्स रहेगा। बस इसकी लंबाई आपने डेल्टा एल वन ली, इसकी डेल्टा एल टू ली, इसकी डेल्टा एल थ्री, बस केवल लंबाई में फर्क आएगा, डेल्टा एल वन लिखा यहाँ पे डेल्टा एल टू। ऐसे अगर आप डेल्टा बी थ्री निकालेंगे तो वो भी तो यही आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल थ्री अपॉन आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। तो मुझे बताओ यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई आपके पास में करंट एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर लूप है, तो आपने इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायो सेवर्ट लॉ से आपको पता है कि किसी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन सर्कुलर लूप वाले केस में क्या होगा कि सेंटर से जब भी आप बच्चे कोई भी करंट एलिमेंट लेंगे, कोई भी करंट एलिमेंट ले लो, तो सेंटर से बच्चे उसकी दूरी रहेगी ना वो हमेशा आर ही रहेगी, तो आर तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा, पूरे पूरे लूप में करंट सेम ही चलेगी तो आई भी आपका फिक्स रहेगा। हाँ, ये जो आप बच्चे जो एलिमेंट ले रहे हैं इसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, उसीलिए मैंने डेल्टा एल वन एल टू लिख दिया, लेकिन हर बार सेंटर से बच्चे आप जब भी सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन डालेंगे वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो साइन 90 तो 1 हो गया, इसे हटा दिया, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है ही। अब यहां पे एक चीज देखो आप, वो ध्यान से एक चीज देखेंगे यहां पे हम। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने डेल्टा बी वन निकाला पहले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, हाँ डेल्टा ई, डेल्टा तो बहुत छोटे के लिए बात कर रहे हैं हम, तो डेल्टा बी वन मैग्नेटिक फील्ड आया डेल्टा एल वन लंबाई की वजह से, डेल्टा बी टू मैग्नेटिक फील्ड आया डेल्टा एल टू की वजह से, डेल्टा बी थ्री आया डेल्टा एल थ्री की वजह से। अगर मैं ऐसे ही तेरे लेंथ अलग कैसे होगी, वो तो आ रही, अरे आर तो डिस्टेंस है एलिमेंट से सेंटर तक की लंबाई। भाई आर क्या होता था हमारे फॉर्मूले में, भूल गए? भाई आर क्या था? आर होता था करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां तक की लंबाई। तो आर तो हर बार सेम है, क्योंकि आर क्यों सेम है,
इस एलिमेंट की भी सेंट्रल दूरी रेडियस के बराबर है, इस एलिमेंट की भी रेडियस के बराबर, इसकी भी। तो आर तो सब समझिए सेम है, लेकिन जो ये छोटे टुकड़े ले रहे हैं आप, ये इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, कोई थोड़ा सा इतना, कोई इतना ले लिया, कोई इतना ले लिया, तो डेल्टा एन1, डेल्टा एल2, डेल्टा एल3 ले लिया हमने, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं सभी जितने भी एलिमेंट लिए मैंने, जैसे डेल्टा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, इन सब एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट्स। तो सभी धारा अवयवों की वजह से सर्कुलर लूप के सेंटर बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा बी वन प्लस डेल्टा बी टू प्लस डेल्टा बी थ्री, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दो। तो डेल्टा बी वन क्या था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल वन अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे आप जोड़ते जाएंगे। तो ये बचेगा बच्चा आपका म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, अंदर बचेगा डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, ये सब जुड़ते जाएंगे। अब मैं यहां से बहुत काम की बात आपसे पूछने वाला हूं, इसे बहुत ध्यान से बताना मुझे। ये जो बच्चे मैंने पूरे सर्कुलर लूप को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ दिया, डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री, डेल्टा एल फोर, डेल्टा एल फाइव, डेल्टा एल सिक्स, ऐसे, तो इन सबका जब मैं जोड़ करूंगा, इन सबका जोड़ किसके बराबर आएगा, इस सर्कुलर लूप की सरकमफेरेंस के बराबर आएगा, नहीं आएगा, इसकी परिधि के बराबर आएगा। और अगर रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी इसकी, 2πr, इन सबका जो सम आएगा वो 2πr के बराबर आएगा। तो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर गया, दो दूनी चार, तो आपका बच्चे बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 I/R। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किस पे, सेंटर पे कितना होगा बच्चे, म्यू नोट अपॉन 2 I/R। ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कैसे, उसका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। अरे बात समझ में, ये भाई आपको पता चल गया कि कोई सर्कुलर लूप है, अगर इस सर्कुलर लूप के में करंट आई फ्लो कर रही है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नोट अपॉन 2 I/R। बस ये ध्यान रखना है, म्यू नोट बाई 2 I/R। तो छोटे छोटे हर टुकड़े की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उन सबका सम किया, तो कितना आ गया, म्यू नोट बाई 2 I/R। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखा तो इससे फायदा क्या होगा, पेपर में अगर आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे खाली आर है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर नहीं है। जब आपने करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, करंट एलिमेंट की वजह से, तो आया था म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नोट बाई 2 I/R। यहाँ पे हमें क्या चला, या एक काम कर सकते हैं आप, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसमें चाहो तो डेल्टा आप हटा भी सकते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो आएगा उसमें आप चाहो तो खाली बी भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या चीज देखी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक तो आपके काम की चीज है वो करंट के समानुपाती है, यानी सर्कुलर लूप में जितनी ज्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे उतना ही तकड़ा होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि रेडियस अगर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कमजोर, अगर बड़ा सर्कल है तो रेडियस, अगर रेडियस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, रेडियस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। एक याद रखना है, ये तो कॉन्स्टेंट है कि म्यू, अरे पिछली क्लास में बताया तो था म्यू क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था म्यू को कहते हैं हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता। ये 12th क्लास में आता भाई, एक बार तुम पहले पूछते हो फिर उसके बाद कंफ्यूज होते हो, निर्वात की चुंबकशीलता। और पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको, जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी बताया था। अब देखो आपकी क्लास में, किताब में तो केवल इतना लिखा हुआ है कि अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट है तो उसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती, यानी सर्कुलर रूप में जितनी करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि रेडियस अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा। अब आप कहते हैं जी आया कैसे, तो उसके लिए मुझे पूरी कहानी आपको बतानी पड़ी। अब मुझे पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्हें इसमें हो रहा होगा कंफ्यूजन, तो मुझे इस बात को दोबारा बताना पड़ेगा। यहां देखना, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरे पास में, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे मैंने एक तार के अंदर करंट फ्लो कर रही है आई करंट फ्लो कर रही है, और इस तार का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डेल्टा एल। जो बच्चे मैंने इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया डेल्टा एल, तो जो करंट इस तार में वही इसी एलिमेंट में भी होगी, इसमें भी आई करंट होगी। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो छोटा सा जो एलिमेंट है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, तो इसकी वजह से अगर मैं इसके आसपास किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, और इस करंट एलिमेंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होगा के है कॉन्स्टेंट यहां पे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। तो इस वाले फॉर्मूले से मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा था यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बच्चे प्रोपोर्शनल है, एक तो जितनी ज्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस सॉरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस मुझे आपको दो बातें बतानी थी कि करंट एलिमेंट जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका फॉर्मूला होता है K का है यहाँ पे कॉन्स्टेंट आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जितनी ज्यादा करंट होगी तार में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अरे क्या हो गया भाई आज क्लास, एक तो इतना टफ टिपिकल सा चीज है, आपके क्लास रुक रही है अब क्या करें इसमें भाई। मेरे यहां से वो सही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा। अब ये हमें पता था पहले से, अभी अगर आपके पास समझ में आ गई है तो आपको सर्कुलर लूप वाले में कुछ दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, या तो फिर तुम इसमें झूठ बोल रहे हो जी हमें पता नहीं चला। ये भाई इसमें बताओ, अगर आपको ये पता चल गया तो सर्कुलर लूप वाला तो बहुत ही आसान है। भाई मैंने कहा कि एक करंट एलिमेंट लिया मैंने, एक धारा अवयव लिया, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसकी लंबाई ली मैंने डेल्टा एल, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितनी करंट ज्यादा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। डेल्टा एल की लंबाई ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कम, और एक एंगल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइन थीटा। थीटा एंगल किसके बीच में, करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है उसे एक लाइन मिला दो, उनके बीच का है ये। अब यहाँ पे चीज बताओ, इसी चीज को मैंने यहाँ पे सर्कुलर लूप में अप्लाई कर दिया, ये सर्कुलर लूप था, इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी। अब इसकी वजह से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और सेंटर जो रेडियस है इसकी आर है, तो मुझे बताओ मैंने पहले तो एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया, इसकी लंबाई ले ली मैंने डेल्टा एल वन, एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया डेल्टा एल टू, एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया डेल्टा एल थ्री। तो ऐसे मैंने इस पूरे सर्कुलर लूप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। तो अगर आपने इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, एक ये पप्पूलाल बेवकूफ पागल हो गया है, हम बता कुछ रहे हैं इसका अलग ही चल रहा है, फिर चार दिन बाद आ कैसे पूछेगा। अब इसमें ये छोटा सा जो एलिमेंट लिया मैंने डेल्टा एल वन लंबाई का, अब जैसे आपने इस डेल्टा एल लंबाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो क्या आप इस डेल्टा एल वन लंबाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बायो सैवर्ट लॉ से, के ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस डेल्टा एल वन लंबाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैंने उसे क्या बोल दिया, उसे मैंने बोल दिया आई, इसकी लंबाई कितनी है डेल्टा एल वन साइन 90, थीटा के लिए 90 क्यों बनी भाई, देखो ये थीटा क्या होता है कि जो करंट एलिमेंट है इससे जिस पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसे मिला दो, और जो बीच में एंगल बनेगा ये होता है हमारा थीटा। ये मेरा करंट एलिमेंट है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, इस लाइन को मिला दिया, तो सेंटर से कोई भी लाइन जब सर्कमफेरेंस पे डलती है ना कोई भी लाइन, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे 90 हो गया सीधा सीधा, ये नीचे आ गया आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी वन क्या हो गया, के आई डेल्टा एल वन अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे हिसाब ने डेल्टा एल वन लंबाई की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ऐसे इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो डेल्टा एल टू लंबाई की वजह से, वो कितना हो जाएगा, के आई डेल्टा एल टू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी भी तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ही, ये भी तो आ रही है सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर होती है। अच्छा ऐसे आपने डेल्टा बी थ्री निकाल लिया, के आई डेल्टा एल थ्री अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे आप डेल्टा बी फोर निकाल लो, आई डेल्टा एल फोर अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं सारे एलिमेंट, इस एलिमेंट से मैंने डिफरेंट निकाल लिया, इसकी वजह से सबकी वजह से निकाल लिया,
तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, इन सबका जोड़ बनेगा। अच्छा, इन सबको मैंने सिंपली क्यों जोड़ दिया, क्योंकि सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आ रहा है। यहाँ पे करंट है, यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, धक्का दिया अंदर आ रहा है, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आ रहा है, तो सबको मैंने जोड़ दिया। अब मैं जब इन सबको जोड़ने लगूंगा तो मैंने देखा कि के आई अपॉन आर स्क्वायर, तो मेरा कॉमन आ गया, अंदर बचा डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू। जब ये डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू ये सारे के सारे जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे बच्चे, सरकमफ्रांस बना देंगे। तो के आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर, आर से कट गया आर, तो के जो कॉन्स्टेंट है इसे हम लिखते हैं म्यू नोट अपॉन फोर पाई, तो बन गया आपका आई टू पाई बाई आर, यहां से पाई से पाई गया, टू से टू गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नोट बाई टू आई बाई आर। ये था इसकी डेरिवेशन। अरे अब डेरिवेशन समझ में आई कि नहीं आई है, ये बताओ मुझे, कि मैंने बस क्या किया, इसी चीज को मैंने यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर इसे अप्लाई कर दिया। मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया है बताओ। अच्छा, अगर किसी को इस डेरिवेशन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो उसे छोड़ सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके लिए क्या काम की बात है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट अपॉन टू आई बाई आर आया किस पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर इसकी रेडियस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नोट बाई टू आई बाई आर। अच्छा, अगर बच्चे जो मेरे पास में ये सर्कुलर कोइल है इसमें अगर एक टर्न ना होकर नंबर ऑफ टर्न्स हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो इसमें, यानी जो फेरे हैं, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे फेरे हों, इफ देयर इज एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहां पे बच्चे फेरों की संख्या एन हो तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट अपॉन टू एन आई आर, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस अब इस आपको क्या करना है, आज के बाद जो मैं अब आपको बता रहा हूं, अब आते हैं सीधे बोर्ड की क्लास पे। ये तो इसने कितने भेज दिया था इसलिए मैंने डेरिवेशन करा दिया इसका। अब बात कर रहे हैं हम टेंथ क्लास की। टेंथ क्लास में बस आपको याद रखना है कि अगर एक सर्कुलर लूप है और उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रही है और उसकी रेडियस है आर, अब ध्यान समझना आपके बारे में क्या पूछेगा कि अगर एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट फ्लो कर रही है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। आपको बस केवल फैक्टर बताने हैं पेपर में, आपको डेरिवेशन करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन करोगे तो उससे पहले आपको बायो सेवर्ट लॉ आना चाहिए, वो टेंथ में बायो सेवर्ट लॉ बताते ही नहीं है। टेंथ में बस इतना बता देते हैं कि तार में करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, दूरी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। लेकिन हमने ट्वेल्थ का एक टॉपिक उठाया बायो सेवर्ट लॉ और उसकी हमने डेरिवेशन देख ली। अब मैंने क्या किया कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या बच्चे, इसकी एप्लीकेशन ये है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो पेपर में आपसे केवल इतना पूछता है वो कि अगर एक सर्कुलर लूप में करंट है और सर्कुलर लूप की रेडियस आर है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। आप बोलेंगे जी उस फॉर्मूले को मैं भले हमारे सिलेबस में नहीं है पर मैं इसे साइड में याद रखूंगा म्यू नोट बाई टू एन आई बाई आर। मुझे इस फॉर्मूले से फायदा क्या होगा, मुझे इस फॉर्मूले से फायदा ये होगा कि मुझे पता चल गया कि आई और बी प्रोपोर्शनल है, यानी मैग्नीट्यूड अगर करंट का ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ज्यादा। एक मुझे पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस डबल तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आधा। एक मुझे पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे सर्कुलर लूप में उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको केवल ये तीन फैक्टर याद करने, उसके अलावा डेरिवेशन नहीं करना, किसी का अगर इंटरेस्ट हो तो कर सकता है वो। अब मुझे बताओ कि तीन बातें आप याद रखेंगे नहीं रखेंगे। अब देखो इस चैप्टर में आपको पेपर के हिसाब से क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले सुनेंगे। अगर पेपर में केवल ये क्वेश्चन आता है कि एक वृत्ताकार कुंडली है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो उसकी डायरेक्शन, आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर कभी सर्कुलर लूप हो ना तो
उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना बड़ा आसान है। अंदर अगर आपको निकालना चाहते हो ना, जो करंट की डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में उंगलियां फेर दो तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे अंदर की तरफ। अगर मैं बच्चे करंट यहाँ पे ले लेता ऐसे उल्टी एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो क्लॉकवाइज ली है, फिर एंटी क्लॉकवाइज ले लूं तो उंगलियां फेर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, बाहर की तरफ। इसके मैंने साइन वाला बनाया था। या आप वैसे भी कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन उंगली करेंगे और ऐसे कर्ल कर देंगे उंगलियों को, तो उंगली आप देख रहे हैं अंदर की तरफ घुस रही है। ऐसे यहां पर भी राइट हैंड रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा उंगली कर्ल करेंगे तो अंदर की तरफ उंगली घुस रही है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, इस वाले केस में जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे अंदर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ को आ रहा है। तो उसकी वजह आप ये कर लिया करो सर्कुलर लूप में ना, जिधर करंट जा रही है उधर उंगली फेर दो, अंगूठा अंदर, करंट ऐसे जा रही है उंगलियां फेर दो, अंगूठा बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर। तो एक तो आपको पता होना चाहिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा अंदर की तरफ। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कहां को होगा बच्चे, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। यहां पे इनवर्ड है कागज के प्लेन के अंदर और यहां पे कागज के प्लेन के बाहर। दूसरा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, रेडियस कैसी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और करंट कितनी है। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ मुझे एक बार यहां तक की बात, यहां तक का पता चला कि नहीं। और भाई अंकित तू ना क्वेश्चन से मत भेजा कर भाई, बाकी की दिक्कत क्या होती है ना, मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ाता तो बच्चों को बाकी क्यों फायदा होता, अब तू तो भेज देता है क्वेश्चन, बाकी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो तुम्हारे अपने एनटीएससी का तो कुछ एक्स्ट्रा करना है तो अपना जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है वो उन टीचरों को भेजना, क्लास में मुझे भेजना बंद करना, क्योंकि उससे क्या ना बाकी बच्चे, जैसे मैं अगर सीधा यहाँ पे अगर ये इन्हें यही बताता सीधे तो इन्हें बड़ा आसान लगता, और पूरी डेरिवेशन करता हूँ तो इनका फिर बाकी को दिक्कत आती है फिर उसमें समझने में। तो तुम अपनी तैयारी कर रहे हो उसमें बाकी का नुकसान मत करो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा उसी हिसाब से पढ़ रहा हो। ठीक है, तो बाकी बच्चों की भी भावनाओं का सम्मान करो ताकि उन्हें भी समझ में आता रहे। ठीक है, और ये वास्तव में दिक्कत है क्लास में कुछ, जो मुझे भी दिख गया, अब बहुत क्लास रुक रही है भाई, कनेक्शन ऐसा बन ही नहीं पाएगा। बहुत क्लास अटक रही है, एक सेकंड रुको, वीडियो बहुत अटक रही है ना, एक सेकंड। पर तो सारी क्लास ना बड़ी अटक रही है, 10th 10th वाली तो बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे, तो मेरे तो नेट वेट भी सही है, मैं भी देख रहा ना अभी खोल के तो बहुत अटक रही है। दोबारा देखना भाई अभी, एक सेकंड यार, ऐसे तो वैसे भी टॉपिक बड़ा टफ सा था, समझ में नहीं आया होगा आपको तो ये वाला आज। दोबारा पढ़ाना पड़ेगा लग रहा है ये, अगर एक सेकंड रुको, क्लास बहुत रुक रही है। एक मिनट रुको, सुनो आज की क्लास दोबारा लेनी पड़ेगी भाई, चलो आज की क्लास में दोबारा ले लूंगा, समझ में नहीं आएगा ऐसे तो, बहुत अटक रहा है मामला।